गुड मॉर्निंग एवरीवन, ये क्लास थर्ड की हिंदी सेकंड की क्लास है और कल हमने लेसन पढ़ा था समय का मूल्य, जिसमें गांधी जी हमें समय के मूल्य के बारे में समझा रहे हैं कि हर इंसान का हर एक मिनट बहुत ही कीमती है और जो इसे बर्बाद करेगा वो आगे किसी भी कार्य को सही ढंग से नहीं कर पाएगा, जिसे हमने एक कहानी के माध्यम से पढ़ा और समझा। अब हम आगे पढ़ेंगे इसकी शब्दार्थ पे। तो पहला शब्द है सज्जन, जिसका अर्थ होता है भला आदमी। सज्जन जिसका अर्थ होता है भला आदमी। आयोजक, आयोजन करने वाला, आयोजक महोदय जो महात्मा गांधी के पास गए थे कि आप मेरे गांव में आकर भाषण दीजिए, तो आयोजक का अर्थ होता है जो आयोजन करता है। अतिथि, अतिथि का अर्थ होता है मेहमान। नियत, नियत मतलब होता है पहले से तय हुआ, यानी जो पहले से निश्चित हुआ हो। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा का अर्थ है इंतजार। आश्चर्यचकित, हैरान। तो सज्जन, भला आदमी, आयोजक, आयोजन करने वाला, अतिथि, मेहमान, नियत, पहले से तय हुआ, प्रतीक्षा, इंतजार, आश्चर्यचकित, हैरान। अब हम आगे देखेंगे मौखिक प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा देश कब आजाद हुआ था। तो हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। साबरमती आश्रम किस राज्य में स्थित है। साबरमती आश्रम गुजरात में स्थित है। हम सब एक स्थान से दूसरे स्थान तक किन किन साधनों से जा सकते हैं, ये आप अपने लिए अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, कार, साइकिल, टेम्पो, बस आदि। तो ये हमारे मौखिक क्वेश्चन है, इसे आपको अपनी कॉपी में नहीं लिखना है, आप सिर्फ शब्दार्थ अपनी कॉपी में लिखेंगे। आगे उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो पहला है महात्मा गांधी साबरमती में रहते थे। तो महात्मा गांधी कहाँ रहते थे, महात्मा गांधी साबरमती आश्रम में रहते थे। महात्मा गांधी साबरमती आश्रम में रहते थे। आयोजक महोदय बापू को लेने समय पर नहीं आए। आयोजक महोदय चाहते थे कि बापू सभा में डैश दें, तो भाषण दें या राशन दें, तो इसका अर्थ है भाषण दें, इसमें लिखेंगे हम भाषण दें। आयोजक महोदय बापू को लेने डैश समय पर नहीं आए। आपके सामने यहाँ दो ऑप्शन है, नियत और नियत, जिसके में ना पे छोटी की मात्रा लगी है, इसका अर्थ है नियत यानी पहले से तय हुआ, और नियत मतलब होती है आपकी फितरत, आपका स्वभाव कैसा है। तो हम इस पे लिखेंगे नियत यानी पहले से तय हुआ। तो इसका आंसर होगा ना पे छोटी की मात्रा, नियत, नियत। गांधी जी ने डैश में समय देखा, तो गांधी जी ने कहाँ समय देखा, छड़ी और घड़ी। तो गांधी जी ने समय देखा घड़ी में। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो शब्द शुद्ध हैं उनके सामने सही का निशान लिखाइए और जो अशुद्ध हैं उन्हें शुद्ध करके लिखिए। तो पहला है, लिखा है आयोजक, जो कि गलत है, तो हम यहां लिखेंगे आयोजक। ये हो जाएगा, इसमें सिर्फ आ की मात्रा नहीं लगी है यानी बड़ा आ नहीं है, तो ये हो जाएगा आयोजक। सज्जन, जो कि सही है। बेचैनी, जो कि सही है। साइकिल, तो इसमें बड़ी की मात्रा लगी है, ये हो जाएगा आपका साइकिल। भाषण, तो ये गलत है, भाषण लिखने के लिए भ पे आ की मात्रा, षटकोण वाला सा और ड, भाषण। प्रणाम, जो कि हम ऐसे लिखेंगे प्रणाम। इसके बाद है मूल्य, मूल्य में छोटा औ की मात्रा है, तो मूल्य। अतिथि, अतिथि में त पे छोटी की मात्रा और
थ पे छोटी की मात्रा, ये हो गया आपका अतिथि। तो हमने लेसन टू समय का मूल्य में पढ़ा शब्दार्थ, मौखिक प्रश्नों के उत्तर, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए, और जो शब्द शुद्ध हैं उनके सामने सही का निशान लगाइए, और जो अशुद्ध हैं उन्हें अशुद्ध करके लिखिए। कल हम इस लेसन से संबंधित प्रश्न उत्तर को पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और फिर आप उसको अपनी कॉपी में लिखेंगे। थैंक यू।